माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। मैं आई थी डोंबिवली अपने मम्मी के पास, उसी बहाने मैंने सोचा क्यों ना आपको एक स्ट्रीट फूड सेंट्रल साइड का आपको दिखाया जाए। तो मैं आ गई उल्लासनगर। उल्लासनगर में मैंने सुना है काफ़ी अच्छे स्ट्रीट फूड जॉइंट्स मिलते हैं, तो मैं शाम के वक्त आई हूँ यहाँ पे। मैं लिटरली काफ़ी कुछ ट्राई करने के हिसाब से आई हूँ, आई होप मुझे वो सारे डिशेस मिले। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और इंट्रो ज़्यादा बड़ा नहीं करते और खाना शुरुआत करते हैं। उल्लासनगर आते ही मैंने पहले सोच लिया था कि मैं यहाँ का बटन पापड़ी खाने वाली हूँ। बटन पापड़ी मैंने जब भी सर्च किया ना तो जय माता दी का नाम पहले आता है, तो मैं वहाँ पे आ गई हूँ बटन पापड़ी खाने। और वहाँ पे ना लिटरली मुझे काफ़ी रश लग रहा है। ये बाय द वे टाइमिंग वाइज बोल दूँ तो आपको 12:30-1 बजे से चालू हो जाता है और रात के 9 बजे तक होता है। चलो एक ऑर्डर देते हैं, कैसे बनता है देखते हैं और खा के देखते हैं कैसा है। देखिए मैंने मेरा एक प्लेट ले लिया है। यहाँ पे देखिए इधर क्या है, आपने जैसे ही देखा उन्होंने बटन दिया था। बटन इज़ ऑलमोस्ट लाइक जो चाय में डुबोते हैं वैसा बटर है, लेकिन वो अलग बनता है, जो पूरी थोड़ी हार्ड वाली होती है। और इसमें थोड़ा बहुत उन्होंने शेव डाला, पापड़ी डाला, रेड कलर की शेव दिख रही है मुझे, थोड़ा ऊपर से कांदा डाला और फिर खट्टी मीठी चटनी में उन्होंने सोक किया था क्योंकि वो बहुत कड़क होती है। मिंट की चटनी, थोड़ी तीखी चटनी और खट्टी मीठी चटनी, इसमें मीठी चटनी नहीं जाती है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, बट उन्होंने बोला इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग हु एड्स मीठी चटनी यहाँ पे, तो अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए खा के देखते हैं। पहला बाइट, रिफ्रेशिंग। आप खाते ही आपको ऐसा रिफ्रेश ऐसा फील होगा, ठंडा पानी एकदम, जो पानी उन्होंने यूज़ किया ना इसके अंदर, ये देखिए जो खट्टी मीठी है, मीन की है, तीखी है। मुझे तो स्पाइसी लगी नहीं है इतनी, अभी तक तो नहीं लगी है, बट ये काफ़ी रिफ्रेश है। और बटर है ना, ये थोड़ी सी अभी मैं शूट कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सॉगी हो रहा है, लेकिन उसकी जो टेस्ट आ रही है पापड़ी और शेव और कांदा, इट्स अ डिफरेंट टेस्ट बट आई एम लविंग इट। आई मीन इसके ऊपर थोड़ा बटाटा भी डाला गया है, इट्स अ बिग बाइट फॉर मी। वाह, हाइजीन के हिसाब से बोलूँ हाइजीन लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। अंकल का भी स्वीट है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ अपना मसाला और सीक्रेट मसाला भी डाला है, बट इसका आई नेवर इमेजिन, आई मीन कुछ बटर के ऊपर डाल के फिर हम लोग शेव डाल के खट्टी मीठी चटनी डाल के ऐड करेंगे तो ये ऐसा लगेगा। बाय द वे ये डिश जो है ना सिर्फ उल्लासनगर में ही मिलती है और मैंने ऐसे काफ़ी डिशेस प्लान करके रखे जो मुझे उल्लासनगर में लिटरली खाना ही है आज। ये मुझे इतनी अच्छी लगी, ये मैं पूरा डिश फिनिश करती हूँ और आपको मिलते हैं मेरा नेक्स्ट स्पॉट। दिलकुश करके एक शॉर्ट करके भी मिलता है जहाँ पे थोड़ी बहुत चटनी मिक्स होती है, तो ये कुछ एग्जैक्टली ऐसा दिखता है, जो 3 चटनी होती है, 2 मसाले जाते हैं और मीठी चटनी भी जाती है, मतलब टोटल 4 टाइप के पानी के आइटम्स जाते हैं और 2 मसाले जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। पीके देखते ये कैसा है, इसका नाम क्यों रखा गया है, लिटरली वो वैसा ही करेगा, आपका दिल खुश कर देगा। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो ना तो आपको ये पहला पीना ज़रूरी है। बटन पापड़ी चाट तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना आपको ये ज़रूर ट्राई करना है। आई मीन इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी फ्रेश।
आ गई मेरे दूसरे स्पॉट पे। ये भी एक वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है जो मैं खाने वाली हूँ। वो डिश का नाम दाल सैंडविच है। मैंने जिस दिन फर्स्ट टाइम सुना, मैंने बोला ये क्या होता है, तो इसे पता करने के लिए ऑफकोर्स इसे खा के देखना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ना आपको उल्लासनगर में ही मिलेगा लिटरली। अगर मैं आपको लोकेशन वाइज बोल दूँ ना, तो ये अमर फास्ट फूड जहाँ पे है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोड पे आता है, उनके सामने ना अंकल रतन जी उनका नाम है, क्यूट सा स्टॉल है रतन दाल सैंडविच वाला, तो वहाँ से आप आके उनका दाल सैंडविच चख सकते हो। तो ये देखिए मैंने मेरा एक प्लेट ले लिया है। बनाते वक्त सादा पाव लिया, थोड़ा सा दाल डाला, ये मूंग दाल का दाल है प्लेन जो येलो कलर का था, और उसके ऊपर आई शुड से सिंधीज लव देयर पापड़ी एंड चाटा, क्योंकि उन्होंने उसमें आलू और बीटरूट डाला, फिर ऊपर से फरसान डाला जो पापड़ी का है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर लाल कलर का एक शेव डाला है जो थोड़ी सी तीखा होती है, और फिर यहाँ पे ऊपर से थोड़ा कांदा और हरी मिर्च की चटनी, और फिर वापस से दाल डाल दिया गया है। तो चलिए खा के देखते हैं, आई एम क्वाइट क्यूरियस टू नो हाउ इट विल टेस्ट। ये देखिए पहले एक पीस लेते हैं और ये खा के देखते हैं। ये देखिए इसका पीस कुछ ऐसा दिखता है, अंदर से वेजिटेबल्स, ऊपर थोड़ा पापड़ी, ऊपर थोड़ा बहुत कांदा और थोड़े बहुत शेव डाले हुए। चलो खाते हैं। वाओ, आई मीन इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। आई नेवर टेस्टेड एंड आई नेवर थॉट कि ये कुछ ऐसा टेस्ट करेगा। दाल की ना हल्की सी सिंपल सी टेस्ट है, मतलब मुझे पता नहीं है कहाँ से किसने इन्वेंशन किया है। दाल है ना एकदम प्लेन है, अगर उसमें ना लिटरली कोर्मी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। आप जब भी अगर ऐसा दाल पी के देखोगे ना, सिंपल सा स्वीट मूंग का जो टेस्ट होता है, मूंग दाल का वैसा ही सिंपल सा टेस्ट है। उसके ऊपर आप हरी चटनी के साथ अगर ऐड करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है, और ये फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दाल के साथ। दाल गिव्स यू दैट किक देन, और ये ब्रेड दाल के कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है लेकिन बहुत ही अलग है, और आई थिंक यू गाइस शुड ट्राई दिस एटलीस्ट वंस बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट बट इट इज़ गुड ऑल्सो। वैसे जितना खा रही हूँ ना उसके साथ साथ मुझे पापड़ी की, सेव की, बटाटा, बीटरूट काफ़ी स्वाद ऐसा स्वाद आ रहा है उसका। और अगर मैं इसको बोलूँ ना, ये लिटरली एक हेल्दी डिश है बोल सकती हूँ, तो इसमें दाल है, उसमें वेजिटेबल्स है और थोड़े बहुत पापड़ी, तो वो तो चली जाएगा। मैं आपको कैसे समझाऊँ मुझे समझ नहीं रहा है, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में सोल कढ़ी होती है, अगर बंगालीज में बोलूँ तो कुरमुरा, झालमुड़ी, वो सब होती है, वैसे ही ये कुछ एक उनकी स्पेशलिटी डिश है मैं बोल सकती हूँ। अगर आप खाओगे तो आप समझोगे ज़रूर। ये बुरा ऑफकोर्स नहीं, जैसा सुनाई देगा कि दाल सैंडविच कैसा टेस्ट करेगा, बट इट टेस्ट रियली गुड। खाने और इसका नाम है राजू भजिया वाला। मैं लोकेशन वाइज बोल दूँ तो ये विठलवाड़ी उल्लासनगर में पड़ता है। मैं एड्रेस वगैरह सब गूगल पिन का ऐड करने वाली हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अंदर जाते हैं और खाते हैं इनके गरम गरम भजिया। तो मैं राजू भजिया वाले के पास से मैंने ले लिया मिक्स भजिया। ये देखिए ये मिर्ची भजिया ले लिया है, एकदम देख के गरम गरम मस्त लग रहा है। ये सन्ना भजिया है, उन्होंने बोला ये सिंधी लोग का फेमस भजिया होता है, जैसे कांदा भजी महाराष्ट्रंस खाते हैं, सन्ना भजिया होता है जो सिंधीज खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे ले लिया है मैंने आलू भजिया, तो अंकल इज स्वीट इनफ टू गिव मी अ मिक्स काइंड ऑफ भजिया, तो मुझे ये मिक्स भजिया मिल गया है और उसके साथ दो पाव मिल गए, थोड़ा कांदा और हरी सी चटनी। ये देखिए सन्ना भजिया में आता है बेसन ऑफकोर्स, और बेसन में मुझे दिख के आ रहा थोड़ा बहुत कांदा और हल्का सा ये क्या है, इसमें बड़े बड़े मिर्ची भी डाले गए, कांदा डाला गया है। तो चलिए ये वाला पीस मैं खा के देखती हूँ पहले ऐसे ही। सो क्रंची, सो फ्रेश एंड वेरी नाइस। वाओ, मैं ना ये चटनी के साथ खा के देखती हूँ, भजिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जो बेसन की क्वालिटी यूज़ की गई है बहुत ही अच्छी है। चटनी पुदीने की है और बहुत ज़्यादा फ्रेश है। मैंने मेरा पाव के साथ खाया नहीं है, बट पाव सीम्स लाइक वेरी सॉफ्ट एंड वेरी फ्रेश। उसके ऊपर जो ग्लेज रहता है ना पाव के ऊपर, वो दिख के आ रहा है, पाव काफ़ी फ्रेश लग रहा है। सन्ने भजिए में जो मिर्ची यूज़ किया गया वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो ये कोई भी खा सकता है। वाइट इज कॉल्ड सन्ना भजिया, सन्ना भजिया मीन्स थिन। इसमें कोई थिन आप खा के होने नहीं वाले हो, ये तो टेस्टी सा चीज़ ही है। और लेकिन सन्ना भजिया मतलब अगर जो इसके अंदर जाते हैं कांदा और मिर्ची, वो बारीक चॉप किए हुए जाते हैं, इसीलिए सन्ना, और इसको तलते हैं तो भजिया पकौड़ा, इसलिए सन्ना भजिया। अभी यहाँ पर बटाटा भजिया दे दिया है, ये देखिए मस्त एकदम, थोड़ा तो ऑफकोर्स ऑयली होगा ही, बट बटाटा तोड़ के दिखाती हूँ आपको। आहा,
क्या मस्त लग रहा है। चलो ये पीस खा के देखते हैं। वाओ, इसमें बेसन थोड़ा ज़्यादा है, नहीं तो कहाँ कहीं कहीं पे थोड़ा सा पतला बेसन होता है। इसका जो बाहर का लेयरिंग है वो थोड़ा ज़्यादा है। आलू बहुत अच्छे से कुक हुआ है और इसमें ज़्यादा कुछ मसाला डाला नहीं है, सिर्फ नमक और मुझे काली मिर्च थोड़ी शायद हल्की सी दिक्कत आ रही है बस। ये मिर्ची का भजिया दे दिया गया है, ये खा के देखते हैं ये कैसा है। मिर्ची हल्की सी तीखी है, ज़्यादा तीखी नहीं है, मैनेजेबल है। और ये देखिए क्या बेसन का क्रंच है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फ्राई किया है, पूरी अच्छी मिर्ची दे दी गई है। और इनका जो कोटिंग है ना, एकदम अच्छे से उन्होंने कोट किया, ऐसा जाड़ा सा पतला नहीं है। सिर्फ मिर्ची का टेस्ट नहीं आ रहा है, बेसन का भी अच्छे से स्वाद आ रहा है। उसके कारण है ना मिर्ची जो भजिया है बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, तीनों भजिया के आइटम मैंने जो खाए तीनों के तीनों अच्छे मिलते हैं। बाय द वे गाइस, मैंने एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, यहाँ पे ना ऐसा काफ़ी बोलते हैं कि अंडा का भजिया भी मिलता है, ये वाले पर्टिकुलर स्टॉल में अंडा भजिया नहीं मिलता, ये प्योर वेज है। पता नहीं क्यों गूगल में वो बहुत एडेड है, बट ओनर सेड कि वो उनका खुद का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्योर वेज मिलता है। मैंने क्या किया, मैंने भजिया ऐसे ही एंजॉय कर रही थी तो मैंने सोचा कि एक वड़ा भी मंगा लेती हूँ। ये देखिए मैं वड़ा दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ओ ये वड़ा काफ़ी अलग है, इसमें येलो कलर का मसाला नहीं है, ये रेड कलर का मसाला है। कोरिएंडर सीड दिख रहा है अच्छे से, कोरिएंडर लीव्स दिख रहा है, यहाँ पे लाल मसालों का टेस्ट दिया हुआ है, मुझे मिर्ची दिख के नहीं आ रही है, कोरिएंडर लीव्स और कोरिएंडर सीड्स दिख के आ रहा है। चलिए मैं इसको पाव में लेती हूँ, पहले पाव इसको ये कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं और वड़ा पाव इसमें डाल लेते हैं। मुझे चटनी अभी नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए, मैं ऐसे ही टेस्ट करना चाहती हूँ। ये देखिए अभी खा के देखते हैं ये कैसा है। इट्स डिफरेंट, लाल मसालों का स्वाद है काफ़ी अलग है, नॉर्मल वड़ा पाव जैसा टेस्ट नहीं है, बट बहुत अच्छा स्वाद है इसका ना। एक्चुअली बेसन का क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब जो भी यूज़ कर रहे हैं ना वो बेसन के कारण है ना काफ़ी स्वादिष्ट होकर आ रहा है। और इसकी जो भाजी भी है ना, उन्होंने जो लाल मसाला कोरिएंडर सीड जो साग के डाले हैं वो लिटरली बहुत अच्छा फ्लेवर ला रहा है उसमें, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। किशोर पेटीज वाला है, ऑफकोर्स पेटीज वाला बोला है, मतलब इनका पेटीज पाव तो काफ़ी फेमस होगा ही। इनका सर्विंग स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है, देखते हैं कैसा है। और रश तो लिटरली बहुत ज़्यादा है, अंदर बैठने के लिए भी जगह है वो भी पूरा पैक्ड है, बाहर पूरे लेन्स में काफ़ी लोग हैं, पार्सल के लिए तो एक अलग ही लाइन है। जल्दी से लेके हम लोग एक प्लेट ले लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो मैंने ले लिया मेरा एक प्लेट, ये देखिए यहाँ पे जब बन रहा था तो एकदम गरम गरम सर्व हो रहा है, तो उसके साथ दो पाव दे दिया है। अब मैं ये पाव मेरे भाई के हाथ में पकड़वाने वाली हूँ। यहाँ पे लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए उन्होंने ये बड़े छोले के करी में डाल दिया है ये आलू पेटीज, और आलू पेटीज लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है, अच्छे से फ्राई किया गया है। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको आलू की पेटीज, ये रहा आलू पेटीज और ये थोड़े बहुत छोले, उसके ऊपर ग्रीन चटनी डाला है और थोड़ा बहुत कांदा डाला है। ये खा के देखते हैं पहले ऐसे ही। वाओ, द छोले के मसाले एकदम ओवरपावरिंग नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और छोले लिटरली आप ये देख सकते हैं ये इतने अच्छे से घुल गए ना, आपको एक स्पून से भी मैं थोड़ा सा ऐसा पकड़ के आपको दिखा रही हूँ, तो ये इतने अच्छे से वो स्मैश हो रहे हैं, छोले को बहुत अच्छे से पकाया गया है, उसको जैसे ही हम लोग मुँह में डाल रहे हैं तो मुँह में घुल जा रहा है। छोले के भाजी के ऊपर जो उन्होंने ग्रीन चटनी डाली है ना उसमें एक अलग ही स्वाद है, और वो मिंट की चटनी है ना बहुत ज़्यादा स्वाद ला रही है। मैंने एक नोटिस किया यहाँ पे, मैंने अभी जब जहाँ जहाँ पे खाया ना वहाँ पे सब जगह पे उन्होंने मिंट की चटनी यूज़ की है। मैं अभी पाव लेने वाली हूँ, पाव भी काफ़ी फ्रेश लग रहा है गाइस, और इसके पेटिस और थोड़ा बहुत छोले मैं डिप करके, चलो खा के देखते हैं। वाओ लवली, इसका जो चटनी है एब्सोल्युटली अमेजिंग। आलू जो किया है ना उन्होंने, आलू इज़ वेरी सिंपल, बट जिस तरह से उन्होंने गरम गरम फ्राई करके डाला है ना अंदर, इसका जो ऊपर का अभी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ऊपर का जो क्रस्ट था
इट इज़ सो क्रिस्पी एंड सो नाइस एंड द छोले इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ये खाने के बाद ज़रूर पता चला कि यहाँ पे इतना रश क्यों है। लिटरली अगर आप उल्लासनगर पे आते हो ना, ये भी ज़रूर ट्राई करना। उल्लासनगर आके मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब स्टार्ट टू एंड मैंने जो भी खाया ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, थोड़ा सा आपको अलग कॉम्बिनेशन लगे देख के, लेकिन मेरा बात मानिए, वो ट्राई करना वर्थ है, क्योंकि खाने में ना उसमें स्वाद था। और है ना, किसी का कंफर्ट फूड जानने में क्या बुराई है, वो लिटरली कंफर्ट फूड था और मुझे स्टार्टिंग टू एंड सब पसंद आया। काफ़ी लोग आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और ये मुझे पता चलता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इससे ना मुझे मोटिवेशन भी फील होता है कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, और आप जितना लाइक करोगे, मुझे जितना कॉमेंट करोगे, उस चीज़ से मुझे पता भी चलता है कि वी आर कनेक्टिंग। और हाँ, इसी तरह मैं अपने वीडियो यहाँ पर एंड करना पसंद करूँगी। अनटिल देन, लीव लव, कीप ट्रैवलिंग, बाय।